नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये, देख सकते हो, बहुत ही बुरा ख़राब ओल्ड एलईडी बल्ब। और ये कौन सा ब्रांड का है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया है। और ये इसलिए ब्लैक हुआ है दोस्तों, हम लोग गांव में रहते हैं ना, यहाँ पर लकड़ी से किचन में आग जलाया जाता है, और ये जो बल्ब है किचन में था, और जिस वजह से इस धुआं लगने से कुछ इस तरह का बन गया है। और यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका जो B22 कैप है वो भी यहाँ से निकल गया है, क्योंकि यहाँ जो धुआं लगने की वजह से इसका जो एल्युमिनियम है, क्या कहते हैं इसको, क्या बन गया है आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें तो ये B22 कैप को ही चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इस B22 कैप को निकालते हैं यहाँ पर से, और एक दूसरा नया B22 कैप लगा देते हैं। तो B22 कैप को निकालने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन के मदद से यहाँ पर जो कैप के ऊपर शोल्डर है उसको पिघला लेना पड़ेगा। ठीक है, पिघल के मैं नीचे गिरा देता हूँ। और ये काम आप संभाल के कीजिए, नहीं तो ये जो सोल्डरिंग आयरन है ना, हाथों में लगने से आपका हाथ जल सकता है। तो चलिए इसको सही से मैं खींच के निकाल लेता हूँ। जी हाँ, निकल गया है, जो खराब B22 कैप था वो निकल गया है। देख सकते हो इसका हालत, देख सकते हो फट गया है, बहुत ही बुरा हालत है इसका। तो इसके जगह एक न्यू B22 कैप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर को साफ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर जो दो चीज आप देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक, ये एक्चुअली स्लिप के अंदर है रेजिस्टर, श्रिंकिंग ट्यूब है ये एक्चुअली, इसके अंदर एक एक में, मतलब दोनों में एक एक करके रजिस्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले वायर्स को सीधा कर लेना पड़ेगा प्लायर की मदद से। ठीक है, दोनों को सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा वायर नहीं है, जितना चाहिए उतना ही है। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा B22 कैप लेना पड़ेगा। तो अच्छा B22 कैप हम एक पुराना एलईडी बल्ब से निकालेंगे, ये जो पुराना एलईडी बल्ब है इसमें से इसको निकालेंगे। निकालने के लिए मैं एक प्लायर लूँगा, बिग साइज का प्लायर, उसके बाद यहाँ पर मैं पकड़ूंगा और घुमाने की कोशिश करूँगा, और घूम गया देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो B22 कैप है निकल गया। तो यहाँ पर से वायर्स को मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, निकाल लिया, यहाँ पर एक रजिस्टर टूट गया है, इसको भी निकाल देता हूँ। जी हाँ, निकाल दिया, और हमारा B22 कैप। ठीक है, यहाँ पर दो होल बना लेना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा रजिस्टर का कनेक्शन है वो नहीं जाएगा। तो होल्स को बनाने के लिए एक पुराना
डायोड लेना पड़ेगा और उसके ऊपर रखना पड़ेगा डायोड को। तो इसको मैं प्लायर से पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन लगाऊंगा और इस डायोड को घुसाऊंगा होल के अंदर जहाँ पर होल है वहाँ पर घुसा लिया। ठीक है, इसको घुमा के निकाल लूँगा और होल बन जाएगा। दोनों में कुछ इसी तरह से बना लेंगे और हमारा B22 कैप रेडी हो जाएगा। B22 कैप में दोनों होल्स बन गए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। उसके बाद जो हमारा बाल्ब है उसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको मैं सीधा कर लिया हूँ और सही से मैं यहाँ पर घुसा दूंगा दोनों पॉइंट पे। रेजिस्टर बाहर निकल आए, जी हाँ निकल गया है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हो निकल गया है इधर भी। इसको मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से बिठा दिया और देख सकते हो दोनों वायर्स निकल गया है। देख सकते हो एक वायर इधर एक वायर इधर, तो दोनों को सोल्डर कर देंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का स्क्रू ड्राइवर से मैं यहाँ पर पिचका देता हूँ। ठीक है, टाइट करने के लिए चारों तरफ से मैं कुछ इस तरह से पिचका देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मजबूत हो गया, इसको और अच्छे से पिचका लेंगे। तो अभी मैं सोल्डर कर लेता हूँ दोनों पॉइंट को। यहाँ पर सोल्डर करने से पहले हमें थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा देना पड़ेगा दोनों पॉइंट पे ताकि अच्छे से पिघले। ठीक है, दोनों पे लगा देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सोल्डर भी लेंगे और सोल्डर कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से पिघल रहा है। देखिए परफेक्टली सोल्डर हो गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो बाल्ब है इसको चेक करते हैं बिजली में लगा के क्या प्रॉब्लम है इस बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली है सीरीज लाइन में। यहाँ पर सीरीज बल्ब जुड़ा हुआ है 100 वाट का सेफ्टी के लिए, ताकि अगर बल्ब में कोई शॉर्ट सर्किट रहे तो हमारा जो सर्किट है वायर है नहीं जलेगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा घर का। चलिए यहाँ पर लगाता हूँ। दोस्तों ये जो बल्ब है तो ठीक है, सिर्फ B22 कैप का प्रॉब्लम था। वाह, तो बिल्कुल ठीक है या खराब है? तो ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये B22 कैप का ही प्रॉब्लम था। ये तो बहुत ही आसान था रिपेयर करना, देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा छोटा प्रॉब्लम भी मेरे पास आ जाता है, छोटा एक्चुअली नहीं है ये प्रॉब्लम, जिन लोगों को पता नहीं है उसके आगे तो बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। ठीक है,
और यहाँ पर जो गंदगी है उसको भी साफ कर दूंगा मैं देने से पहले, ठीक है। तो अभी तो बाल प्रिपेयर हो गया, आप लोग देख लिए। तो यहाँ पर जो B22 कैप है ना, इसको और ज़्यादा टाइट करने के लिए कुछ इस तरह का नुकीला स्क्रू ड्राइवर से चारों तरफ से बार बार मैं यहाँ पर प्रेस करता रहूँगा ताकि टाइट हो जाए। और उसके बाद साइड में ग्लू भी लगा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।